ऑफ यू, माय सेल्फ प्रेरणा अमृत, आई एम योर हिंदी टीचर। बेटा, स्क्रीन के सामने आपकी बुक दिख रही है, ये आपकी व्याकरण की बुक है, ठीक है बेटा। चलिए, हमने इसमें कौन सा पार्ट पढ़ा है? पार्ट चार है ना, लिंग, ठीक है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे, आओ अभ्यास करें, है ना। चलिए, पहला नंबर है, पेज नंबर 20 में है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए, ठीक है बेटा। पहला नंबर है सुनार, क्या है सुनार का हम लिंग बदलेंगे तो क्या कहलाएगा वो, सुनारिन। फिर है शिक्षक, शिक्षिका का क्या हो जाएगा, शिक्षिका। फिर है अभिनेता, क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा, विदुषी। सखा, सखा का क्या हो जाएगा, सखी। रूपवान, रूपवान का क्या हो जाएगा, रूपवती। नाग, नागिन। पंडित, पंडिताइन। कवि, कवित्री। बूढ़ा, बुढ़िया, ठीक है बेटा। इसको आप लोग सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 21 में है, नीचे लिखे शब्दों को लिंग के आधार पर चुनकर अलग अलग टोकरियों में लिखो। अब ये पुस्तक, यहाँ पे स्त्रीलिंग की टोकरी बनी है, यहाँ पे पुल्लिंग की। पुस्तक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हम बोलते हैं ना ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा पुस्तक है, नहीं बोलेंगे ना ये मेरी पुस्तक है, मतलब ये स्त्रीलिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग में लिखेंगे, वर पुल्लिंग में लिखेंगे, टोकरी स्त्रीलिंग में लिखेंगे, नदी स्त्रीलिंग में आएगा, शेरनी स्त्रीलिंग में आएगा, साम्राज्ञी स्त्रीलिंग में आएगा, राजा पुल्लिंग में आएगा, पत्थर पुल्लिंग में आएगा, गायक पुल्लिंग में आएगा, नानी स्त्रीलिंग, पहाड़ पुल्लिंग, लीची स्त्रीलिंग, पपीता पुल्लिंग, वीर पुल्लिंग, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में, लाल शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखो। क्या था, क वाला दर्जी कपड़े सीता है। अब दर्जी जो है लाल रंग में है, इसका हमको लिंग बदलना है, तो उसमें क्या आ जाएगा, दर्जी की जगह दर्जाइन, तो क्या लिखेंगे, दर्जाइन कपड़े सीता है, नहीं गलत हो जाएगा। लिंग जब बदलेंगे तो इसके जो हम जो शब्द बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, उसमें भी चेंज हो जाएगा। जैसे दर्जाइन कपड़े सीती है, ठीक है। फिर ख वाला माली पौधों को पानी दे रहा है ना, माली पौधों को पानी दे रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, मालिन पौधों को पानी दे रही है, ठीक है बेटा। फिर ग वाला युवक के, युवक ने उसे पास बुलाया, क्या हो जाएगा, युवती ने उसे पास बुलाया। आज विभा के गुड्डे की शादी है, आज विभा की गुड़िया की शादी है। हाथी मस्त चाल में जा रहा था, इसमें क्या आ जाएगा बेटा, हथनी मस्त चाल से जा रही थी, ठीक है बेटा। समझ गए कि जब हम जो रेड वाला जो वर्ड्स हैं उसको हमने चेंज किया, तो यहाँ पे जो हमने शब्दों के जो वाक्य को फिर से दोबारा लिखे, तो उसके उसमें भी परिवर्तन आया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, चित्रों को पहचानो और लिखो कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब ये कौन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। वैसे ही आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके बाय।